रियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अब आपको नजर आने वाला है वो लम्हा जब अक्षरा ने बनाया था पंडितों के लिए खाना। शो के आगे आने वाले एपिसोड में नायरा ने जब खाना बनाया था वही वाला सीक्वेंस भी आप दोहराते हुए देखेंगे, क्योंकि अब दादी रूही की परीक्षा लेने वाली है। दादी रूही को बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। शो के आगे आने वाले एपिसोड में दादी रूही को अपने साथ लेकर चली जाएगी और अभीरा के कंधों पर पंडितों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी सौंप देगी और ये भी कहेगी ये हमारे कुल पंडित हैं, ये नाराज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब बेचारी अभीरा जिसे खाना का ख बनाने भी नहीं आता, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दादी से मिलने के बाद घबरा जाएगी। भाई अभीरा यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि करे तो क्या करे। अब दादी अपने साथ काजल को भी लेकर चली जाएगी और विद्या को भी, यानी अभीरा की मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा जहाँ पर अब अभीरा पूरी तरह से हो जाएगी परेशान, करे तो क्या करे। और इस बीच आप देखेंगे ढेर सारा ड्रामा जब अरमान अपनी कजन्स के साथ मिलकर अभीरा की मदद करेगा। जी हाँ, आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा जहाँ पर अरमान करेगा अभीरा की मदद, अभीरा बनाएगी सारा खाना, पंडित जी दे देंगे उसे यहाँ पर आशीर्वाद और करेंगे भविष्यवाणी कि अभीरा इस खानदान का नाम रोशन करने वाली है। अभीरा इस खानदान में काफी ज्यादा खुशियाँ बिखेरने वाली है। पंडित जी की ये भविष्यवाणी सुनकर दादी सा हैरान हो जाएगी, विद्या खुश हो जाएगी और अभीरा के चेहरे पर भी आ जाएगी मुस्कान। लेकिन ये मुस्कान टिक कितनी देर पाती है देखना होगा।